नमस्कार मैं हूं शशि संध्या समाचार में आपका स्वागत है आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं हेमंत सोरेन ने कहा नोटिस क्या भेजते हो हिम्मत है तो गिरफ्तार करो ईडी की नोटिस के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है मोराबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जुटे उसके बाद सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए लोगों के हुजूम को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घर से बाहर आए और लोगों को संबोधित किया हेमंत तो सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि ईडी नोटिस क्यों भेज रही है अगर उसे लगता है कि हम गलत किए हैं तो आप हमें सीधे गिरफ्तार कर लो उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करो नोटिस मत भेजो बता दें हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है और न हम डरे हुए हैं आप सभी लोग यहाँ आए हैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस स्थिति से मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं हूँ बल्कि इस तरह की स्थितियों से मैं और ताकतवर और तप करके बाहर निकला हूँ हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम को जेल से डरवा रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर हम जेल भरने का काम शुरू कर देंगे तो इतने लोग जेल में जाएंगे कि पूरा जेल भर जाएगा झामुमो ने कहा सीएम से मिलने के लिए ई को अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता मोराबादी मैदान में जुटे सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता ने केंद्रीय एजेंसी बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की मोराबादी से कार्यकर्ताओं का हजूब मुख्यमंत्री आवास की ओर कुछ कर गया राज्य के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पारंपरिक हथियारों के साथ रांची पहुंचे इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी वरिष्ठ नेता विनोद पांडे और पूर्व शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जैसे नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे बता दें मुख्यमंत्री के ईडी ऑफिस नहीं जाने के कारणों के बाबत सवाल पूछे पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री क्यों जाएंगे उनके अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उनको छत्तीसगढ़ भी जाना है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यदि किसी को मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी हो तो पहले अपॉइंटमेंट ले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पंद्रह नवम्बर को होने वाले राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री ने कहा है कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार वीर शहीदों के धरती पर राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत है राजधानी रांची में अगले साल फरवरी और मार्च में प्रस्तावित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे पुलिस मुख्यालय ने इस सम्मेलन के दौरान राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति का भी गठन कर दिया है शिक्षा मंत्री ने किरण पासी आईएएस के खिलाफ की कार्रवाई झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गोड्डा की तत्कालीन उपायुक्त किरण कुमारी पासी के विरुद्ध कार्रवाई के अनुशंसा कार्मिक विभाग को कर सकता है विभाग ने गोड्डा में पोशाक खरीद में साखी मंडल को अग्रिम भुगतान किए जाने को अनियमितता माना है बता दें तत्कालीन सचिव राजेश शर्मा ने मामले में तत्कालीन उपायुक्त को इसमें दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव बढ़ाया था इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विमर्श के निर्देश के साथ फाइल विभाग को लौटा दी है अब वर्तमान सचिव के रवि कुमार इस पर मंत्री के साथ विमर्श करेंगे जिसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग को की जा सकती है सरायकेला थाना के, के हवालात में तीन दिन से बंद युवक का शव लेने से इनकार सरायकेला थाना के, के हवालात में घाट शिला के नाबालिग युवक मोहन मरडी द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिए मामले ने तुल पकड़ लिया है यह युवक माता पिता का एकमात्र संतान था मृतक युवक के पिता ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय जाधव को मांग पत्र सौंपकर बेटे के मौत के मामले की जांच की मांग की है उपायुक्त ने मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन भी दिया है बता दें घाट जिला मुखिया संघ व मृतक युवक के परिजनों ने कहा है कि जब तक मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक सौ को परिजन रिसीव नहीं करेंगे सीबीएसई बोर्ड आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए पंजीकरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आर्यभट्ट गणित चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के गणिति कौशल और क्षमता की पहचान करना है बता दें सीबीएसई से संबद्ध स्कूल 15 नवंबर को शाम साढ़े पाँच बजे तक आवेदन कर सकते हैं ए जी दो अस्त्रों लेवल एक और लेवल दो पर आयोजित किया जाएगा लेवल एक प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी सात नवंबर से प्रदर्शन करेगी भाजपा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने बुधवार को पार्टी के हरमो स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि राज्य में हेमंत सरकार के खिलाफ जाना आक्रोश चरम पर है जनता अब इस सरकार से निजात चाहती है उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार के तीन साल पूरे होने वाले हैं लेकिन यह सरकार विकास के पैमाने पर सुन है बहन बेटिया घरों में सुरक्षित नहीं हैं तीन वर्षों में पाँच हज़ार से ज्यादा बहन बेटियां दुष्कर्म की शिकार हुई है वहीं विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है सरकार आपके द्वार करते करते ईडी के द्वार पहुंच गई ऐसे में भाजपा ने प्रखंड जिला और प्रदेश स्तर पर सरकार को घेरने की तैयारी की है पहले चरण में सात से तेरह नवम्बर तक हजारों कार्यकर्ता प्रखंड केंद्रों में आक्रोश प्रदर्शन करेंगे धनबाद में जेएमएम की आक्रोश रैली हजारों कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना सीएम सोरेन पर ईडी के समन के बाद सियासत तेज हो गई है जे कार्यकर्ताओं -में, में इसे लेकर उबाल देखा जा रहा है लिहाजा धनबाद से हजारों कार्यकर्ता रांची रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं बता दें मोराबादी मैदान में पहुँच बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जिला अध्यक्ष रमेश जुड़ू की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता रांची रवाना हुए इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से ईडी ने झारखंड के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को समन भेजा गया यह बहुत ही दुख की बात है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है जबकि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का काम किया जा रहा है सीएम हेमंत रहेंगे कि जाएंगे विकल्प क्या है जाने झारखंड में एक हज़ार करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है ऐसे में अब उनके पास कानूनी विकल्प क्या है? क्या है इस पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने कहा है कि जांच के दौरान ऐसा समन किया जाता है ऐसे में समन करने वाले व्यक्ति को जाँच में शामिल होना चाहिए इसके अलावा वह व्यक्ति जाँच एजेंसी से समय की भी मांग कर सकता है समन करने वालों को इस बात का संदेह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है बता दें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने समन किया था वे जांच में सहयोग के लिए ईडी कार्यालय पहुँचे थे झारखंड में ईडी के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन ईडी की ओर से सीएम को समन जारी किए जाने के बाद बुधवार की शाम में सीएम आवास में यूपीए विधायकों की बैठक हुई इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से भेजे गए समन की जानकारी दी इसके बाद ईडी के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया इसके तहत पाँच नवंबर को सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झामो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि तीन नवंबर को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे पहले से उनका कार्यक्रम तय है इस मामले में मुख्यमंत्री विधि विशेषज्ञों से, से राय भी लेंगे इधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होने की भी पुष्टि की है रिम्स में चार से छ नवंबर तक हार्ट मरीज फ्री में करा सकेंगे ऑपरेशन राज्य के हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी खबर है अगर किसी वजह से वे जांच नहीं करा पा रहे हैं और ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं तो रिम्स में आयोजित होने वाले विशेष कैंप में शामिल होकर इसका लाभ उठा सकते हैं बता दें रिम्स में कल से 6 नवंबर तक विशेष कैंप लगाया जा रहा है यह कैंप झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और राजकोट अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है मरीजों का निःशुल्क इलाज झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत की जाएगी झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और राजकोट अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से लगाए जा रहे इस स्पेशल कैंप में हार्ट की जन्मजात समस्या ए एस डी एस डी पी डी ए हृदय में छेद की समस्या एवं पास की समस्या से ग्रसित रोगी इस का लाभ ले सकते हैं मनरेगा योजना के लिए मिलेगा अतिरिक्त पच्चीस हजार करोड़ रुपए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के कार्यों में इजाफा को देखते हुए भारत सरकार से पच्चीस हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की थी समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह राशि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आवंटित होने की उम्मीद की जा रही है इस प्रकार अब इस वित्तीय वर्ष का कुल मनरेगा बजट अंठानबे हज़ार करोड़ रुपए हो जाएगा बता दें वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए तिहत्तर हज़ार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी मनरेगा योजना में अब तक करीब चौवन हज़ार करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित भी किए जा चुके हैं योजना के तहत करीब एक सौ इक्यासी करोड़ का कार्य सृजन भी किया गया है धन्यवाद तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे थैंक यू